माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सबको पूरा संसार नजर आता है। जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो भावों से भरा हुआ है, और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, ये हर जानवर हर जीव जंतु के लिए है जिसके पास माँ है। लेकिन ये समझ कि ये इस एक शब्द की कितनी महत्वाकांक्षा है, कितनी महत्वता है, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं तिरुवनंतपुरम के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के एक हादसे की, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को फ्रूट्स में क्रैकर्स रखकर, पटाखे रखकर खिलाए गए, जिससे कि उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक न्यूज है और एक मैन वर्सेस वाइल्ड का एक साक्षात्कार रूप है इस लॉकडाउन में। और ये इसका भी एक रूप है कि क्या इंसान इतना वाइल्ड हो चुका है जानवर से भी ज्यादा। जी हाँ, जहाँ पर ये हादसा हुआ वहां पर ये जो एलिफेंट है, फीमेल एलिफेंट, ये फॉरेस्ट से निकलकर शहर में चली गई थी, जहां पर इसको लोगों ने ये फ्रूट खिलाया क्रैकर्स रखकर, जिसको खाने के बाद ये पास के वेरियार रिवर में गई और उस रिवर में ही इसकी डेथ हो गई। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। लेकिन हम लोगों को ये सोचने की और समझने की जरूरत है कि ये कोई पहली खबर नहीं है। जब स्पेशली मैं बात करूं, स्पेशली एलिफेंट्स को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर इससे पहले मैं बात करूं तो रिसेंटली एक बार और एलिफेंट्स जो हैं वो न्यूज में आए थे, जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट में ये कहा गया कि महंत को अलाउड नहीं है लक्ष्मी नाम के एक एलिफेंट को इंडिविजुअली अपने पास कैप्टिव करके रखना। और उसमें एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन की गई कि जंगल जो है वो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, स्पेशली एलिफेंट्स का, और आप उनको एक स्लेव के तौर पर, एक मजदूर के तौर पर नहीं रख सकते हैं और उनसे काम नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक जजमेंट दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि एलिफेंट्स जो है बहुत वाइल्ड हो जाते हैं और ये सब तहस नहस कर देते हैं, हमारे घरों में, हमारे एरियाज में, हमारे शहरों में घुस आए हैं। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या हम उनके घरों में, हम उनके फॉरेस्ट में, हम उनके घर के अंदर नहीं घुसते। ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है जिसको हम सबको समझने की जरूरत है कि क्या हम उनके घरों में नहीं घुस रहे हैं? क्या हम अपने कंफर्ट के लिए, अपने मुनाफे के लिए उस फॉरेस्ट की लैंड को, वहां के प्रोडक्ट्स को, स्पेशली एनिमल्स को, उनके बॉडी पार्ट्स को क्या हम यूज नहीं करते हैं अपने फायदे के लिए? और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब एलिफेंट्स को इस तरीके से यूज किया जाता है, यूज किया जाता रहा है, चाहे वो असम क्यों ना हो, जहां पर इलीगली एलिफेंट्स को कैप्चर कर लेते हैं, फॉरेस्ट से उठा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, चाहे वो सोनपुर का मेला हो बिहार का जहां पर इनकी ट्रेडिंग होती है एलिफेंट्स की, चाहे वो जयपुर क्यों ना हो जहां पर रोज 100 एलिफेंट्स पर टूरिस्ट बैठकर अप हिल पे अजमेर फोर्ट पर ले जाते हैं टूरिस्ट को और लाते भी हैं। क्या तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कैसा ट्रीटमेंट इन एलिफेंट्स के साथ या इन एनिमल्स के साथ करते हैं? अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं तो 1986 में ही गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझ आ गया था कि एलिफेंट्स जो है, स्पेशली एशियन एलिफेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्योंकि ये खास हैं और इनके बहुत यूजेस हैं, चाहे वो टेंपल्स में हो, सर्कस में हो, या ओन बेनिफिट के लिए हो, ट्रेडिंग के लिए हो, या इनकी ट्रंक से ही आप कुछ एलिमेंट्स बना रहे हो, तो ये बहुत बेनिफिट है और इसलिए इनकी जान को हम इंसानों से बहुत ज्यादा खतरा है।
तो इसलिए ही 1986 में IUCN की रेड लिस्ट में इन एलिफेंट्स को एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया। एंडेंजर्ड लिस्ट में इसलिए डाला गया ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर मैं आपके साथ कुछ और फैक्ट्स और डेटा शेयर करूं, तो अभी फेब 2020 में एक यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन हुई माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर स्पेशली, जिसमें ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत की गई कि जितने अभी इंडिया में 1700 एलिफेंट्स ऐसे हैं जिनको कैप्टिव रखा गया है किसी इंडिविजुअल के द्वारा। तो उस पर ये बोला गया कि बेशक हमने इसको लीगल कर रखा है कि आपको राइट है किसी भी एलिफेंट को कैप्चर करके अपने घर पर रखना, लेकिन इसको अब टाइम आ गया है कि अब हम इसको लीगल ना रखें, क्योंकि ये एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी बढ़ाता ही जाता है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट्स अकेले ऐसे एलिफेंट हैं जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो शेड्यूल वन में हैं। 1972 के इस एक्ट के अंदर कुछ एलिफेंट्स कुछ एनिमल्स को रखा गया ताकि हम उनकी ज्यादा प्रोटेक्शन ज्यादा सुरक्षा ज्यादा अच्छे से कंजर्व होने कर सके, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट एक ऐसा जानवर है एक ऐसा एनिमल है जिसको नेशनल हेरिटेज एनिमल माना गया। आप समझते हैं, हमने मॉन्यूमेंट्स को सुना होगा कि ये नेशनल हेरिटेज है, ये धरोहर है हमारे देश की हमारे एरिया की, लेकिन एलिफेंट्स भी नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ये हमारी धरोहर है। उसके अलावा अगर मैं और पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं कुछ फैक्ट्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2500 एलिफेंट्स अभी ऐसे हैं जिनको इस कैप्टिविटी में रखा गया है, जिनके साथ ये चीज हो रही है, ये दुर्व्यवहार हम कर रहे हैं। अब मैं इस सब फैक्ट्स और इस सब नॉलेज और इस सब इंफॉर्मेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगी कि क्या इंसान जानवरों से भी ज्यादा वाइल्ड, जानवरों से भी बदतर जानवर बन चुका है? क्या ये हमारी ह्यूमैनिटी है? क्या इंसान इंसानियत छोड़ चुका है? मैं इस क्वेश्चन के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, और आई थिंक आप सबको इस क्वेश्चन को दोबारा सुनना और समझना और इसका जवाब खुद से ढूंढने की का वक्त आ चुका है।